ये मामला पीछे सारा प्रकाश में आया है, जिसमें बाहरी राज्य से इस तरह की गलत तरीके से डिग्रियां प्राप्त करके रोजगार मिला है, और सरकार सारी बातों को लेकर सजग है और निश्चित रूप में इसमें कार्रवाई होगी, और जो भी दोषी लोग होंगे जिन्होंने इस गलत तरीके से, फर्जी तरीके से ये डिग्रियां प्राप्त करके रोजगार प्राप्त किया है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार विभाग कार्रवाई करेगा। कौन कौन से पदों पर है सर ये जो जांच की जा रही है और किस स्तर पर जांच की जा रही है? अब ये प्रारंभिक तौर पे ये सारी जांच है, और जैसे ही मैं समझता हूँ इसकी पूरी जानकारी मेरे तक आ जाएगी, मैं ये सूचना आपको भी उपलब्ध करवाऊंगा। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं सर क्या डिपार्टमेंट लेवल पर? जी, किस स्तर पर आपको लगता है कि इस तरह की फर्जी डिग्रियों के सारे? अभी जैसे मैंने पहले कहा, अभी प्रारंभिक तौर पे सारी आपकी इन्वेस्टिगेशन चली है, और जैसे जैसे फर्दर ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सारी परतें खुलेगी और पूर्ण रूप से आपको भी सारी जानकारी से परिचित करवाया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, हमारी लगभग कोई 2252 जो बैच वाइज आपके एलिमेंट्री एजुकेशन में पद भरे जाने हैं, इसकी प्रक्रिया इस महीने प्रारंभ हो चुकी है। भिन्न भिन्न ज़िलों में अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत जो आपकी JBT, TGT और CNV की पोस्टें हैं वो एडवर्टाइज हो चुकी है, और इसके माध्यम से शीघ्र ये नियुक्तियाँ होगी। इसके अलावा हायर एजुकेशन की भी जो हमने 585 लेक्चरार स्कूल कैडर के पद आपके कमीशन को भेजे थे वो भी एडवर्टाइज हो चुके हैं, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको एक समय अवधि दी गई है जिसके अंतर्गत वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, और उसके उपरांत ये प्रक्रिया भी आपकी PGT यानी लेक्चरार स्कूल कैडर की भी प्रारंभ होगी। और इसके अलावा चयन आयोग में भी लगभग कोई 3000 पोस्टें हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की, विशेषकर एलिमेंट्री एजुकेशन की जो शेष रहती है, ये भी जैसे हमारा ये चयन आयोग अपना गठन करके अपना कार्य प्रारंभ करेगा, उसके उपरांत 3000 पोस्टें भी आपकी, इसकी भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ताकि विशेषकर जितने हमारे दुर्गम दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ स्टाफ का बहुत अभाव है, इन रिक्तियों को भरा जा सके। आप जानते हैं कि ये नियुक्तियाँ जो हमारे टीचर्स की होती है NCTE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है, और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उसमें ये बातें हमारे संज्ञान में आई है। फिर भी मैंने सेक्टरी एजुकेशन को माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार सेक्टरी एजुकेशन को और सेक्टरी लॉ को इस सारे मामले को एग्जामिन करने के लिए कहा है, क्योंकि कई दफ़ा मैं समझता हूँ जल्दबाजी में लिया गया निर्णय फिर कोर्ट के दरवाजे लोग खटखटाते, और जिसके कारण जो आपका दिनों में जिसका हल निकल सकता है उसमें आपको सालों इंतजार करना पड़ता है। तो हम जो भी फैसला लेंगे एज़ पर गाइडलाइंस लेंगे, और जैसे मैंने कहा सेक्टरी एजुकेशन सेक्टरी लॉ इस सारे मामले को एग्जामिन कर रहे हैं, और उसके उपरांत जो सही निर्णय होगा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा उसके अनुसार हमारी नियुक्तियाँ होगी।